अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपकी वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है, किससे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जूम कैसे कर सकते हैं, जूम का इफ़ेक्ट कैसे लाते हैं, और ये जो सिलेक्शन आती है वो कैसे आती है। दोस्तों, आपने सबसे पहले वीडियो के में ये लाइक के बटन पर क्लिक कर देना है। लाइट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऊपर आल के ऊपर क्लिक कर देना है। अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं और किसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, और जो आप पॉइंटर आप शो करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं। तो दोस्तों, मैं सब कुछ आपको करके बताता हूँ और आपको नाम बताता हूँ। दोस्तों, जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जूम करते हैं। तो दोस्तों, आपने करना क्या, कोई भी आप स्क्रीन रिकॉर्डर कर लें, चाहे आप कमताशिया स्टूडियो के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, वहां से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे पास एक सॉफ्टवेयर, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ जो मैं ज़्यादा इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। उस सॉफ्टवेयर का नाम है फास्ट स्टोन कैप्चर। दोस्तों, ये फास्ट स्टोन कैप्चर, मैं इसका डाउनलोड लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये वाला सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे, इससे मैं भी अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो लेकिन दोस्तों, जो इसका असल इफ़ेक्ट है दूसरे सॉफ्टवेयर में आता है, जो जूम इन जूम आउट होता है। जैसे मैं अब आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये जूम इन हो गया। ये देखें, आप कहते हैं कि ये जूम कैसे किया स्क्रीन को, इसके लिए इफ़ेक्ट होता है दोस्तों कि कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये जो दूसरा इफ़ेक्ट है कि आप कहते हैं कि सिलेक्शन कैसे आती है, मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन कैसे आती है। जूम देखें, मैंने ख़त्म कर दिया। ये दोस्त पूछते हैं कि इसकी सिलेक्शन ये कैसे आती है, जब आप बॉक्स सेलेक्ट करते हैं या रैंडम सिलेक्शन आती है। देखिए, जैसे मैं रैंडम सिलेक्शन कर रहा हूँ, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर लिखा जा रहा है, तो ये कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है मैं आपको बताता हूँ, जूम इट। जी हाँ दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है जूम इट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे ये देखिए, ये ट्रे में मेरे पास जूम इट सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसकी ऑप्शन ही मेरे सामने है। ये जूम इट सॉफ्टवेयर का नाम है, इसका भी मैं डाउनलोड लिंक आपको नीचे। अगर मौजूद होगा वहाँ से स्क्रीन जूम हो जाएगी, और जूम कितनी करनी है ये देखिए, मैंने इसको 2.0% कर दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको 1.75, 1.5, 1.25, 3%, 4%, जितनी जूम करना चाहते हैं कर लें। नॉर्मली 2 पर एडजस्ट होती है, आप 2 पर कर लें या 3 पर कर लें, अगर ज़्यादा जूम करना चाहते हैं तो। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो 2 पर कर लें। जब भी आप किसी स्क्रीन पर आप कोई भी बात कर रहे होंगे, आप किसी चीज़ को बताना चाहते हैं कि माय कंप्यूटर ये है, या जहाँ पर आपका माउस का कर्सर होगा, आपने रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने कंट्रोल प्लस 1 का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन उसी वक्त जूम हो जाएगी। और दोस्तों, आप जूम को जब ख़त्म करना चाहते हैं तो आप स्केप का बटन दबाएंगे तो जूम आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है ड्रा की, तो ये देखेंगे ड्रा की ऑप्शन दोस्तों मौजूद है, कंट्रोल प्लस 2। जब आपने कंट्रोल प्लस 2 का बटन प्रेस करना है तो आपकी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तब आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, वो बॉक्स बना हुआ आपके सामने शुरू हो जाएगा। आपने 2 का बटन छोड़ देना है और कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, ताकि ड्राइंग आप जितनी मर्जी करते रहें वो सारा ड्रा होता जाएगा। अगर आप कंट्रोल का बटन भी छोड़ देंगे तो फिर सिंगल लाइन ड्रा होगी, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया दोस्तों, फिर सिंगल लाइन ड्रा हुआ करेगी। तो इसलिए दोस्तों, आपने जब भी इसको ड्रा करना है तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप बॉक्स का जितने मर्जी आप ड्रा कर सकें। और जब आपने इसको भी ख़त्म करना है तो आप स्केप का बटन दबाएंगे तो उससे वो जितनी भी ड्रा आपने किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही छोटा सा, इसका मैं डाउनलोड लिंक आपको दे देता हूँ। आपने करना है कि इसको डाउनलोड करके बस रन कर देना है। जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, आपने जूम इन करना होगा तो आपने कंट्रोल प्लस 1 प्रेस कर देना है, और जब आपने टेक्स्ट को ड्रा करना होगा तब आपने कंट्रोल प्लस 2 करके बॉक्स ड्रा कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर चला रहे हों, आप जूम इट की मदद से उसमें अपना जो काम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर भी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये जो जूम इट है, आप दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। हमारे बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो देखने का दोस्तों शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।